नमस्कार, रेडियो मनी नाइन पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के यहां क्यों पड़ा छापा, बायजूस ने आकाश एजुकेशनल के फाउंडर्स को क्यों भेजा कानूनी नोटिस और रिलायंस ने ब्रुकफील्ड के साथ क्या किया समझौता, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी हैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिनभर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत यह छापेमारी दिल्ली और गुरुग्राम स्थित मुंजाल के ठिकानों पर की गई। यह जांच राजस्व खुफिया निदेशालय की एक शिकायत के चलते हो रही है। इस छापेमारी के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर मंगलवार को 3.24% या 104 रूपये की गिरावट के साथ 3100 रूपये पर बंद हुआ। बायजूस ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापकों को कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश के संस्थापकों के कथित रूप से शेयर हस्तांतरण में आनाकानी के बाद ये नोटिस भेजा गया है। AESL की बिक्री के तहत उन्हें बिना शर्त ऐसा करना था। बायजूस ने 2021 में नकद और शेयर सौदे के तहत लगभग 94 करोड़ अमेरिकी डॉलर में 33 साल पुराने कोचिंग सेंटर AESL का अधिग्रहण किया था। वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री जुलाई में 3% बढ़कर 1,81,630 यूनिट हो गई है। ये वृद्धि मल्टीपर्पज व्हीकल सेगमेंट में बढ़ोतरी के कारण हुई। वहीं कुल घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 6% बढ़ोतरी के साथ 1,52,126 यूनिट रही। जुलाई 2022 में ये 1,42,850 यूनिट थी। वहीं जुलाई 2023 में एस्प्रेसो और ऑल्टो जैसी छोटी कारों की बिक्री घटकर 9,509 यूनिट रही, जो जुलाई 2022 में 20,333 यूनिट थी। अकासा एयर के बेड़े में 20वां विमान शामिल हो गया है और इसी के साथ एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के योग्य हो गई है। अकासा अपने बेड़े में बोइंग 737-8200 संस्करण शामिल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कंपनी भी बन गई है। भारतीय नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए एयरलाइन कंपनी के बेड़े में कम से कम 20 विमान होने चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में रिन्यूएबल एनर्जी और जीरो कार्बन एमिशन उपकरण बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने के अवसर तलाशने के लिए ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का मकसद PV मॉड्यूल, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के भंडारण और विंड एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी उपकरणों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना है। इसके तहत ब्रुकफील्ड प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के रास्ते तलाशने में रिलायंस की मदद करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में यूनिट स्थापित करने को लेकर मूल्यांकन करेगा। मदर डेयरी का कारोबार वित्त वर्ष 2022-23 में 17% बढ़कर लगभग 14,500 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ताजा दूध, मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद और खाद्य तेल समेत सभी श्रेणियों में अच्छी मांग के चलते ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का कारोबार पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 12,500 करोड़ रुपए का था। कोल इंडिया लिमिटेड का जुलाई 2023 में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 13.4% बढ़कर 5,36,00,000 टन हो गया है। पिछले साल जुलाई में इसका उत्पादन 4,73,00,000 टन था। कंपनी ने बताया कि अप्रैल जुलाई 2023 के दौरान इसका उत्पादन बढ़कर 22,91,00,000 टन हो गया, जो 2022 की इसी अवधि में 20,70,00,000 टन की तुलना में करीब 11% ज्यादा है। CIL ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 78 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया उद्यमी कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने के लिए स्पाइसजेट एयरलाइन के प्रवर्तक अजय सिंह को दिए गए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्यस्थता पंचाट के 20 जुलाई 2018 को दिए गए निर्णय को सही ठहराया। पंचाट ने मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले को अजय सिंह ने चुनौती दी थी। इसी के साथ कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन कंपनी नामा में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए मनी नाइन का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।